हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट इंटीमेसी प्लस टू। दोस्तों, ये जो इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो का एंड में मैं इस इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसका ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हो तो कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट है इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप किसी भी माध्यम से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो मेरे से ऑनलाइन ओपीडी कंसल्टेशन भी कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट है, तो ये 21 टैबलेट्स का पत्ता में मिलता है, कीमत है 120 रुपये, और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी और नामी कंपनी है दवा कंपनी में से। तो ये हो गया इसका कंपनी। अब बात करें इसका कंपोजिशन की, क्या केमिकल सॉल्ट से इस दवा को तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इसका हर एक टैबलेट में है, यानी ईच टैबलेट कंटेंट्स एक नंबर पर हमारा एथिनिल स्ट्राडियोल 0.02 mg प्लस डेसोगेस्ट्रेल 0.15 mg, जो कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यानी एक हार्मोनल मेडिसिन है। तो इससे कुछ कंपोजिशन। अब बात करें इसके यूज़ की, कहाँ कहाँ इस इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसका एक रूप यूज़ करता है एज ए ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी गर्भ निरोधक गोली के रूप में। यानी अगर किसी रिसेंटली किसी महिला का अगर डिलीवरी हुआ है, बच्चा हुआ है, वो अगर अभी फिलहाल अगर 2-3 साल के लिए बच्चा नहीं जाती तो 3 साल तक इस दवा को विदाउट, यानी कि आप दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो क्योंकि पहला यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में, दूसरा यूज़ किया था उसको PCOS और PCOD का ट्रीटमेंट के लिए, इसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा उसका यूज़ किया तो हार्मोनल इंबैलेंस है किसी का, तो हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए इसको दिया जाता है। चाहे तो हमारा इरेगुलर पीरियड्स, हाँ, तो अगर आपका महीने में 2-3 बार, 1 बार पीरियड अगर सही से अगर नहीं आता, 2 बार पीरियड आ रहा, 3 बार आ जा रहा, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते, कोई असुविधा नहीं होगा। तो योगी से कुछ ये हो गया चौथा यूज़। पाँच में उसका यूज़ किया था उसको हमारा एमिनोरिया। तो एमिनोरिया फीमेल्स की उस कंडीशन को कहा था जिस कंडीशन में उनका पीरियड स्किप होता था, 2-3 मंथ्स के लिए स्किप होता था, वो एमिनोरिया कहा जाता है। कि होगा इसका चौथा यूज़। पाँच में उसका यूज़ किया था मेनोरेजिया, यानी अगर किसी फीमेल का अगर पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है, हैवी फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये उसके कुछ यूजेस। अब बात करें इसका डोज की, कौन सा डोज में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका जो डोज चलता है ये डॉक्टर वेरी करता है, कोई डॉक्टर से पीरियड के पहला दिन से, कोई डॉक्टर से पीरियड का तीसरा दिन से, और कोई डॉक्टर से पीरियड का पांचवा दिन से स्टार्ट करता है। यानी आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई असुविधा नहीं है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, तो आप वहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना डॉक्टर को जैसे एडवाइस किया उसको फॉलो कीजिए, लगातार रोजाना रात को खाने के बाद लगातार 21 गोली, ठीक है, रोजाना एक गोली रात को खाने के बाद 21 दिन तक लगातार, फिर 7 दिन तक दवा बंद किया था, उसी बीच में पीरियड आता है, फिर दवा फिर 8 दिन से दवा स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ डोज। आप बात करते हो साइड इफेक्ट, दोस्तों साइड इफेक्ट्स के रूप में नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट पेन, वेजाइनल स्पॉटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको दिखाई मिल सकता है। तो ये हो गया कुछ साइड इफेक्ट्स। आप बात करते प्रिकॉशन, सावधानी के, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिव मदर दवा का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में दवा का इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है, लैक्टिव मदर चाहे तो दवा का इस्तेमाल कर सकती है, कोई असुविधा नहीं होगा। तो इसको कुछ सावधानी। आप बात करते हैं रिव्यू, यानी ये जो दवा है इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट, इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों, जो जो मैंने कोई यूजेस बताया उस जगह पर अगर आप इसका यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उस जगह पर जाओ, मैंने आपको मैंने यूजेस में बताया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।